मनोकामना पूरी करने के लिए आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक टोटका लेकर आई हूँ। जी हाँ, एक टोटका। टोटके बहुत असरदार होते हैं। मैंने अपने चैनल पर जितने भी टोटके आपके साथ में शेयर किए हैं, कईयों के लिए कई जगह जाकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। उनकी कितनी भी मुश्किल वाली मनोकामना हो, ज़रूर पूरी हुई है। तो आज के टोटके में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, किस तरह से इस टोटके को करना है, चलिए आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी हिट कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह से कई सारी स्पिरिचुअल जानकारी आपको मिलेगी, वास्तु दोष निवारण की जानकारी मिलेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस मिलेंगे, एंजल नंबर आपको मिलेंगे और साथ ही अपनी कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो आज मैं आपको टोटका शेयर कर रही हूँ, ये आपको एक ही बार करना है, ठीक है। एक ही बार आप करेंगे इस टोटके को। इस टोटके को आपको करना है रविवार के दिन, ठीक है, रविवार के दिन करना है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपको नहीं करना है। ये टोटका है माता जी का, ठीक है। हमें दुर्गा माता का टोटका करना है। इसके लिए आप पूर्ण तरह शुद्ध रहेंगे तभी आप इसे करेंगे, ठीक है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो 7 डेज बाद करेंगे इसे, ठीक है। और अगर जेंट्स हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, लेना है तिल का तेल, ठीक है। सिस में ऑयल लेना है आपको। अब इस तिल के तेल में आप सिंदूर घोल लीजिए, ठीक है। सिंदूर को आपको घोल लेना है तिल के तेल में। अब आपको ये जो सिंदूर हमने घोला है, इसे एक नारियल पर, ठीक है, पूरा जो नारियल होता है, जटाओं वाला नारियल होता है, इस पर आपको इसका लेप कर देना है। पूरे नारियल पर सिंदूर का आपको लेप कर देना है। सिंदूर का लेप कर दें। लेप करने के बाद में आपको ये नारियल किसी भी जो दुर्गा माता का मंदिर होता है वहां पर ले जाना है। माता के मंदिर की आपको 5 परिक्रमा लगानी है, ठीक है। इस नारियल को अपने हाथों में लेकर, आप चाहें तो इसमें इस तो नारियल को सिंदूर लपेटने के बाद में पॉलिथीन में रख ले, फिर इसे अपने हाथों में लेकर मंदिर की 5 परिक्रमा आपको लगानी है, ठीक है। अगर आपको मंदिर की नहीं लगा पाते हैं तो माता जी की मूर्ति की आपको 5 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाते समय आप अपनी इच्छा, अपनी वेश, अपनी मनोकामना माता जी के आगे आपको कहनी है, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा है उसे पूरी होने में जो समस्या आ रही है वो भी आपको कहनी है कि इस वजह से ये पूरी नहीं हो पा रही है, या जिस भी वजह से वो पूरी नहीं हो पा रही है ये भी कहना है। अब माता जी, ये जो समस्या है इसे आप दूर कीजिए, मेरी मनोकामना आप जल्द से जल्द पूर्ण कीजिए। ऐसा करने के बाद में ये जो नारियल है, ये जो माता जी के मंदिर में जो हवन कुंड होगा, जहाँ पर हमेशा हवन होता है, माता जी के सभी मंदिरों में हवन कुंड जरूर होता है, उस हवन कुंड में आपको इसे होम देना है, ठीक है, मतलब जला देना है। और बस ऐसा करके आप अपने घर लौट आए, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। इस टोटके के बारे में जब आप करेंगे, उसके बाद में आपको किसी को नहीं बताना है कि हमने ऐसा किया है, ठीक है। आप इसके बारे में किसी को ना बताएं। जब मनोकामना पूरी हो जाएगी तब आप बता सकते हैं। बस इतना सा आप कर लें। बस अगर आपको कोई पूछता भी है कि आपने क्या किया या क्या कर रहे हो, या आपको किसी को नहीं बताना है, बस आप टोटका कर दें और इसे भूल जाएं। आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर इसी तरह से बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।